लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने LOC की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की, बोले कि अल्लाह वतन अजीज की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान पर कभी कोई आंच ना आए। मजीद तफसीला जानेंगे दानियाल राठौर से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा इस ट्वीट से मुतालिक। आज बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और कहा है कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात की है और नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने भारतीय तैयारों की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की मजम्मत भी की है और कहा है कि अल्लाह वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान पर कभी कोई आँच ना आए, पाकिस्तान पर जो है हमेशा जो है अपना जो साया है वो अल्लाह ताला कायम दायम रखे और भारतीय तैयारों की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत भी की है। इस मौके पर मरियम नवाज ने इसके अलावा जो है जो दीगर ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ये जमीन मुकद्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इन्होंने ये भी जो है जो गाने के बोल हैं वो भी ट्वीट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सबकी धरती है और पाकिस्तान पर जो भारतीय जारियत है उसकी शदीद दानियाल राठौर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ ने LOC की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की, बोले कि अल्लाह वतन अजीज की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान पर कभी कोई आंच ना आए।